यार एक बात तो बोलनी पड़ेगी, इस फोन जैसा कोई हार्ड इच नहीं है गाइस। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग अपना टैबलेट कहीं भी ले जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। 2009 में सैमसंग ने अपना सबसे पहला गैलेक्सी सीरीज का फोन लॉन्च करा था और आज 2019 में एग्जैक्टली 10 साल के बाद सैमसंग इज केपेबल ऑफ मेकिंग अ फोल्डेबल फोन। गाइस अभी फोल्डेबल फोन ऐसा नहीं है कि सिंपली आप इसे फोल्ड अनफोल्ड कर दो बंद खुल गया हो गया, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से ये फोल्ड और अनफोल्ड होता है। मतलब आपके पास एट द सेम टाइम एक स्मार्टफोन और एक टैबलेट है, मतलब आप स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हो और आप एट द सेम टाइम टैबलेट भी यूज़ कर सकते हो। जब ये फ़ोन मैंने सबसे पहली बार देखा ना, मुझे तो उससे प्यार ही हो गया, फिर मैंने सोचा यार ये तो लेना है। लेकिन फिर जब मैंने इसकी प्राइसिंग देखी तो यार मैंने सोचा यार थोड़ा सा बजट से बाहर है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी बाहर है, इतना बाहर है जितना विराट कोहली की मारवी बॉल बाउंड्री से बाहर जाती है। चलिए जोक्स अपार्ट, अब बात कर लेते हैं यार इसके डिस्प्ले की। अब इसमें ना दो डिस्प्ले आ जाते हैं, एक तो छोटा वाला जो फ्रंट में है और जो बड़ा डिस्प्ले है वो जब आप अनफोल्ड करोगे तब आपको दिखेगा। जब ये फोन फोल्डेड रहता है तब इसका स्क्रीन साइज है 4.6 इंचेस। आप इसे कंपेयर कर सकते हो आईफोन 4 से आईफोन 5 से, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। और जैसे ये अनफोल्ड होता है तो एक बड़ा सा 7.3 इंचेस का डिस्प्ले आ जाता है, जिसको यहाँ पे सैमसंग ने नाम दिया है इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। ये डिस्प्ले उतना ही है जितना एक नॉर्मल साइज एक टैबलेट होता है। गाइस ये जो फोल्डेबल फोन का कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल नया है, मतलब ये पहले किसी ने बनाया नहीं है या फिर किसी ने ट्राई नहीं करा है। तो मतलब ये फोल्डेबल फोन बनाने का जो तरीका है ना, ये अभी सैमसंग ने खुद ही डिज़ाइन करा है। तो उसको डिज़ाइन करने में, उसे इंजीनियर करने में ना कई नए तरीके यूज़ हुए होंगे। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के लॉन्च इवेंट में सैमसंग के जनरल मैनेजर मिस्टर जस्टिन डेनिसन ने भी ये बोला है कि हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट था इसकी बैकबोन बनाना, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे ये अनफोल्ड और फोल्ड हो सकता है बहुत ईजीली, कोई प्रॉब्लम ना आए यूज़र्स को। अब एक बड़ा फ़ोन बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि उन्होंने पहले भी बनाया है, छोटे बड़े डिस्प्ले बनाए हैं, जैसे कि इस फ़ोन में एक छोटा डिस्प्ले एक बड़ा डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले बनाने में प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फोल्डिंग मैकेनिज्म बनाने में प्रॉब्लम है और वो स्क्रीन को किस तरह से वहाँ पर यूज़ करना था उन्हें, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें देखना था। इस फोल्डिंग मैकेनिज्म में हिंजेस यूज़ हुए हैं, लेकिन हिंजेस के अलावा यहाँ पर उन्होंने गियर्स भी यूज़ करे जो कि काफ़ी स्मूथ कर देता है फोल्ड और अनफोल्ड को। अब गाइस आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि फ़ोन बनाने वाली कंपनी अब गियर्स बनाने लग गई है, तो मतलब कहाँ तक पहुँच चुकी है टेक्नोलॉजी और क्या ये फ़ोन होने वाला है। अब यार ये तो बिल्कुल एक लग्जरी डिवाइस है, जब ये फोल्डेड रहता है तो आप बिल्कुल इसे एक नॉर्मली एक फ़ोन की तरह यूज़ कर सकते हो और जब इसे आप अनफोल्ड कर दो तो एक टैबलेट की तरह यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर जो दोनों स्क्रीन्स हैं ना वो इंटर रिलेटेड है, यहाँ पर सैमसंग ने इसे बोला है ऐप कंटिन्यूटी। इस फ़ोन के डिस्प्ले के हिसाब से ना कई सारे ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप हो गया फेसबुक हो गया इस फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। जो भी यहाँ पर ऐप डेवलपर्स वगैरह हैं उन्होंने ये ऐप्स स्पेशली इसके लिए ऑप्टिमाइज करे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यूज़र्स को बड़ी स्क्रीन पर यूज़ करने में। गाइस अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। वे प्रोसेसर के बारे में मैं क्या बोलूं? अब गाइस इस प्रोसेसर का आर्किटेक्चर 7 नैनोमीटर का है, इसका मतलब जानते हो? 7 नैनोमीटर मतलब ये है कि दिस प्रोसेसर हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर्स प्रेजेंट टुडे। और मतलब इसके सिवाय एक स्नैपड्रैगन का 855 है, वो भी 7 नैनोमीटर का ही है। अब मुझे ये क्लियरली पता नहीं है कि स्नैपड्रैगन 855 ही तो इसमें यूज़ नहीं हो रखा है, ये सैमसंग ने अच्छे से क्लियर करा नहीं है, लेकिन ये पता है कि है एक स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर, तो प्रोबेबली गाइस ये स्नैपड्रैगन 855 हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। और गाइस स्नैपड्रैगन 845 10 नैनोमीटर का है, उससे भी कई गुना तेज़ होगा ये स्नैपड्रैगन 855। अब बात करते हैं अगर हम रैम की, तो यहाँ पर रैम दी है इन्होंने 12 GB की, इतनी तो किसी किसी फ़ोन में रोम भी नहीं होती। अब बात करें अगर इसकी इंटरनल मेमोरी की यानी कि रोम, तो वो यहाँ पर सैमसंग ने दे दी है 512 GB की गाइस, और वो भी UFS 3.0 यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज 3.0। अब यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज 3.0 सुन के थोड़ा चकराना मत, अब UFS 3.0 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक ये एक स्टोरेज टाइप है जहाँ पर आपको स्पीड बहुत अच्छी मिलती है, मतलब डेटा ट्रांसफर की स्पीड आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, रिस्पांस टाइम काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पर। जब आप सोच रहे होंगे कि इस फोल्डेबल फ़ोन में बैटरी का जुगाड़ कैसे लगाया होगा सैमसंग ने, तो यहाँ पर ऐसा है कि एक सिंगल बैटरी लगाना फोल्डेबल फ़ोन में तो पॉसिबल था नहीं, तो उन्होंने दो बैटरीज अलग अलग करके लगा दी। अब यहाँ पर सैमसंग के इंजीनियर्स ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है गाइस, जिससे कि इन दोनों बैटरीज की जो भी एनर्जी है वो कंबाइन करके एक सिंगल पावर सोर्स यहाँ पर फ़ोन को दी जाएगी, तो ये भी काफ़ी एक इनोवेटिव तरीका है बैटरी को लगाने का। और यहाँ पे दोनों बैटरीज को मिला के हो जाता है 4380 mAh, यानी कि 4380 mAh एक टैबलेट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि बड़ी स्क्रीन है तो ज़्यादा बैटरी यहाँ पर यूज़ होगी, पर इतना भी ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा सही था। अब गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब कैमरे की। गाइज यहाँ पर टोटल इस फ़ोन में 6 कैमराज हैं। गाइज 3 कैमरा इसके बैक साइड में है, 2 इसके इनर साइड में है और 1 फ्रंट कैमरा है। मतलब आप किसी भी एंगल में इस फ़ोन को पकड़ के अगर कैमरा ओपन करते हैं सीधा आपको सामने का व्यू मिल जाएगा कैमरे में। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फ़ोन में मिल जाएगा आपको, जो कि साइड में लोकेटेड है, इस फ़ोन के राइट साइड में लोकेटेड है नीचे को।